हेलो व्यूवर्स, बिंदास जिंदगी विद एंजल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को पालक पनीर बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैं पालक को पानी में और हल्का नमक डालकर तेज आंच पे 2 मिनट के लिए बॉयल करूंगी। ये हमारा 2 मिनट होके बॉयल हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। आप इसे ज़्यादा बॉयल ना करें, क्योंकि ज़्यादा बॉयल करने से इसका ग्रीनिश चला जाएगा, इसलिए हम तेज़ आंच में 2 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अभी कढ़ाई बैठाएंगे, उसमें हम लहसुन प्याज टमाटर को रफली चॉप करके हल्का फ्राई कर लेंगे। और मैं पनीर को भी फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। अब आप ये जो फ्राई किए हैं उसे पालक के साथ डाल के पीस दें, या फिर कढ़ाई में ही पालक डाल के हल्का फ्राई करके सभी को पीस दें। अब एक तेल गरम करूंगी, उसमें मैं हल्का सा जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी डालने के बाद लाल चिल्ली पाउडर, सभी को आपस में अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें मैं सब्जी मसाला डाली हूँ, जिसमें आपका गोलकी जीरा और धनिया है। मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला जब फ्राई हो जाए तो इसमें जो पेस्ट तैयार किए थे पालक प्याज टमाटर और लहसुन का, उसको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। आप थोड़े इसको अच्छे से फ्राई करो, ताकि हमारा इसमें मसाले का कच्चेपन ना लगे। जब ये फ्राई हो जाए तो जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था उसको डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल के ये हमारा बनकर तैयार है। गर्मा गर्मा सर्व करो, इसे पूड़ी के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।